रोटी बनानी दे दो। तो तलने लग गई हूँ मम्मी। हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं लता बिस्टू स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग पे। और होलिया आ गई है, होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली। तो होली की शुरुआत करते हुए हम लोग कर बना रहे हैं आज गुजिया। गुजिया की तैयारी कर रहे हैं। तो मसाला तो हमने कल से बना के रखा हुआ था, अभी मैं आटा आटा गूंथ के रखती हूँ। मम्मी गई है ऑफिस, मम्मी आएगी उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो बने रहे आप लोग मेरे वीडियो में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारी तैयारियाँ कैसी चल रही है। तो ये देखो, यहाँ मैंने आटा गूंदने के लिए रखा हुआ है और मैंने घी गरम करके रखा है, ये भी जमने लग गया है। तो मसाला है इसमें, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखो मसाला हमारा, थोड़ा ना मसाला कम हो गया था तो इसलिए और लाने वाले इसके अंदर का जो भी मटेरियल जाएगा मम्मी अभी लेके आने वाली है। और हमने कल इसलिए बनाया क्योंकि कल बाढ़ था, बाढ़ के उससे बनाया क्योंकि शुभ काम कुछ भी चीज हो शुभ दिन के उससे ही करते हैं। तो चलिए, और ये देखो थोड़ा आटा बच गया था कल का और ये ऐसा पत्थर जैसा हो गया है। तो अब मैं गूंथती हूँ आटा। तो मैं गूंथ रही हूँ आटा इसमें घी डाल के और दूध से। तो इसमें घी डाल के काफी अच्छे से मसल के गूंथना पड़ता है। तो ये देखो मैंने आटा गूंथ दिया है, इसके लिए ना ही सॉफ्ट ना ही सख्त वाला आटा चाहिए। तो हो ही गया, अब करते हैं हम इसकी तैयारी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग अभी बना रहे हैं हॉल में क्योंकि किचन हमारा छोटा है तो वहां जगह नहीं मिलती, तो इसलिए हम लोग हॉल में बना रहे हैं। और मैंने लोगों को बुला रखा है बेलने के लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा लोग चाहिए। कोई बेलेगा, कोई मसाला बनेगा, कोई लोई बनाएगा। तो अब हम बना रहे हैं और मैंने ये जहाँ पे हम बेल गुजिया रखेंगे तो मैंने अखबारों में रखने के लिए बिछा भी दी है अखबार। तो हम लोग कर रहे हैं अब इसकी तैयारी। तो ये शीतल को बुला रखा है मैंने बेलने के लिए और देखो इसे कितना पतला बेलना पड़ता है, इसे पूरा पारदर्शी बेलना पड़ता है। तो आप देख सकते हो इसने कितना पतला बेल रखा है, नीचे से तकला चकला तकला चकला दिखने लग गया। तो अब मैं भर रही हूँ इसमें मसाला, काफी आराम से भरना पड़ता है नहीं तो इसके अगर किनारे में मसाला लग गया तो पूरे फटके खराब हो जाते हैं। तो मैंने इसमें मसाला भर दिया है और हमारा आप ये मसाला देखो कितना ज्यादा है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि सारा मोहल्ला खा लेगा। तो ये मसाला हमने इसलिए इतना ज्यादा इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा हमारे रिश्तेदार भी इधर उधर देंगे करके बना रखा है। तो ये देखो इसे ना काफी ध्यान से बनाना पड़ता था, ये फट गए समझो पूरा गुजिया खराब, आटा खराब। इनकी गप्पे ज्यादा हो रही, काम कम हो रहा है। देखो फटाफट करो ना काम, क्या कर रहे हो? बनाओ एक बार पता चलेगा कैसे बनाना है करके। कितना टाइम लग रहा है? थोड़ा सा भी मसाला अगर भाई किनारों में लग गया समझो पूरा गया, वो बड़ा कहना आसान होता है दूसरों से, खुद करके देखो एक बार। और कुछ? बहुत कुछ। वो देखो अपना काम कर रही हो, बैठ गई हो। तो देखो इसका काम था ये और ये बना के बैठ गई है और ये बेल रही है। मसाला देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है हम 2 दिन में 3 दिन में खत्म करेंगे, पता नहीं। और मैंने इतने ही बना रखे। मम्मी ये मशीन नई लेके आ रखी है और बड़ा भी है तो सही होगा इसमें बनाने के लिए, जल्दी जल्दी भी बन जाएंगे। तो मैं इसी में बना रही हूँ।
तो ये देख सकते हो इसमें कितना जा रहा है। अब चार खाने वाला ये दो ही खाएगा। तो ये देखो कितना बड़ा बन रहा है और इसमें फूट भी नहीं रहे, सही हो रहा है इसमें बनाने के लिए। तो इनकी माँ लग रही है, इनके बच्चे लग रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं बोला था स्कूल में, दारू में के डिंपल ना मैं बेल दी पर छिंपल इज बाबू की मन्या ले छते पा बोलो ब्रोइला तेरा था छोटे डालती। तो अभी थक गई है, मैं बेल रही हूँ। मम्मी भर रही है मसाला, हालत भी खराब हो जाती है इसमें खाने वाले की, तो मजे मजे हैं बनाने पर बनाने में जितनी आफत आती है कि कुछ भी मत। दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम कर रही हूँ। गंदी बात है, तो ये हमारी कामदार अभी आई है उठ के, अभी करी है काम। हाँ बना, बहुत हो रही है तेरी। आप जाओ, सब लोग खेलो कभी तमाशा फमाशा मत करो। कब बेलेगी तू रोटी? परसों तक के लिए ठीक होगा जी। एक रोटी बनानी दे तू मम्मा को, एक ही फिर तू बनाना। एक ही बनाने दे। तो ऐसा लग रहा है अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, खत्म हो गया। और निकल निकल के इतने से और आई जा रहा है, अभी टाइम लग गया और 7 बजने वाला है, अंधेरा ही हो गया। 3 घंटे हो गए हमें बनाते बनाते। तो कृपया करके इसे ना बनाए, मेरी यही राय है। खाना है बाजार से लेके आऊं। फाइनली हमने बना लिए और ये लास्ट है, तो इसके बाद अब हमने तलना भी है, तो फिर मैं तल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो हमने यहाँ पे रखे, अभी तले नहीं है और मम्मी अभी बना रही है सब्जी, थोड़े इस साइड भी है। तो ये पूरे दिन के 100-122 ऐसे ही बन रखे हैं, तो अभी इनको तलने हैं। तो तलने लग गई हूँ मैं। तो देखो ये बन गए हैं, कितने बना लिए, तो ये देखो बना लिए हैं। और अब मैं बनाने लग गई हूँ रोटी, लेट हो गया है, तो मैं करती हूँ आज की ब्लॉगिंग की एंड। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो अब हम भी खाते हैं गुजिया, मजे मजे लेते हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, तब तक के लिए बाय बाय।